पिछले क्लास में हम लोगों ने नरेशन चैप्टर का चेंज ऑफ पर्सन देखा और इसमें हम लोगों ने देखा एस ओ एन बाई 1 2 3 मतलब फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। आज हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस में फर्स्ट रूल है इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर, सेज प्रेजेंट टेंस है या विल से फ्यूचर है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो नहीं बदले। अब जैसे देखिए मोहन सेज आई हैव अ न्यू पेन, यहां सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये रिपोर्टेड स्पीच में ये प्रेजेंट परफेक्ट, तो हम लोग इसको चेंज करेंगे। मोहन सेज दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, आई मोहन के अनुसार बदल के ही हो जाएगा और ही के लिए हैव नहीं लगाएंगे, हैज होगा। ही हैज अ न्यू पेन, लेकिन यहां भी प्रेजेंट परफेक्ट है, यहां भी प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल में देखिए ही विल से, यहां फ्यूचर टेंस है, ही विल से आई डू नॉट टेल अ लाई, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही विल से दैट आई, ही के अनुसार बदल के ही हो जाएगा और ही के लिए डू न लग के डज लग जाएगा। ही डज नॉट टेल अ लाई, मतलब यहां भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां भी प्रेजेंट। तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे हम लोग, केवल पर्सन चेंज कर देंगे। रूल नंबर टू देखिए, इफ देयर इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ इन रिपोर्टेड स्पीच द टेंस विल नॉट बी चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। यदि रिपोर्टेड स्पीच में मतलब इनवर्टेड कॉमा के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब अकाट्य सत्य, ऐसा सत्य जो कभी भी झुठलाया नहीं जा सके, वो तीनों कालों में उसी तरीके का रहता है। जैसे हम लोग कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, तो ये पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, तो इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे देखिए द टीचर सेड, हालांकि यहां पास्ट टेंस है लेकिन फिर भी द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहां प्रेजेंट टेंस। तो जब चेंज करेंगे द टीचर सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट, सीधे इसको उतार देना है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब जो टेंस इसमें है वही रहेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ का टेंस कभी नहीं बदलता। अगला एग्जाम्पल, ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, वह कहता है कि सूर्य पूरब में उगता है, तो ये हमेशा से ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पूरब में ही उगता है, आगे भी पूरब में उगेगा, पहले भी उगता था, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो रूल नंबर वन में हम लोगों ने देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। दूसरा में देखा कि अगर कोई इनवर्सल ट्रूथ हो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो भी उसका टेंस नहीं बदलेगा। अब देखेंगे इसमें रूल नंबर थ्री। नंबर थ्री, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड एज फॉलोज। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो मतलब सेड और रिपोर्टेड स्पीच जो इनवर्टेड कॉमा के अंदर है वो प्रेजेंट टेंस में हो तो वो इस प्रकार बदलेगा। कैसे बदलेगा? नंबर वन, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज चेंज्ड इनटू पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट यदि रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको हम लोग बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। कब? जबकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और ये प्रेजेंट टेंस, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बदलने के लिए क्या होगा?
प्रेजेंट इंडिकेटिव पे हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद भाग का पहला रूप या फिर उसमें एसीएस लगा होता है, तो इसको भाग का दूसरा रूप कर देंगे तो पास्ट इंडिकेटिव हो जाएगा, या नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में डू या डज लगा रहेगा, इसको डिड में कर दीजिएगा तो पास्ट इंडिकेटिव हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, ही सेड आई राइट लेटर, तो यहां सेड है पास्ट टेंस और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसको कर देना है पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या हो गया, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट और आई ही से बदल के ही हो गया, और यहां भी वन था तो इसको हम लोग भी टू कर देंगे, मतलब राइट को रॉट अ लेटर, ही सेड दैट ही रॉट अ लेटर। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट ये पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टिव स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट बदल देंगे। यदि रिपोर्ट ये पास्ट टेंस और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो ये बदल के हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, मतलब कि अगर इज एमआर होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको हम लोग वाज वर्ब में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। एग्जांपल देखिए, यू सेड टू मी आई एम प्लेइंग विथ यू, यहां सेड है पास्ट टेंस और यहां है आई एम प्लेइंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। अब सेड है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो हम लोग इसको टोल्ड कर देंगे, तो यू टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, और ये फर्स्ट पर्सन आई है तो यू के अनुसार बदल के यू हो जाएगा, और ई जे मान को क्या कर देना है वाज वर्ब में, तो यू के साथ वर्ब लगेगा, तो यू वेयर प्लेइंग विथ, और यू सेकेंड पर्सन बदलेगा मी के अनुसार, तो ये बदल के मी हो जाएगा। पूरा कंप्लीट सेंटेंस देखिए, यू टोल्ड मी दैट यू वर प्लेइंग विथ मी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी सेड टू यू आई एम टॉकिंग टू यू, यहां भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसको कर देंगे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में, सी टोल्ड मी दैट सी वॉज टॉकिंग टू, और यू यहां यू के अनुसार बदलेगा तो यू ही रह जाएगा टॉकिंग टू यू। तो हम लोग इस जहां पे रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। इसको आगे देखते हैं, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, मतलब हैड हैव को हैड में बदल देंगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए, ही सेड टू मी आई हैव गिवन यू 100 rupees, अब यहां सेड है पास्ट टेंस और यहां है हैड गिवन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यहां हम लोग चूंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड कर देंगे, ही टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, आई ही के अनुसार बदल जाएगा ही, और हैड को हैड में बदल देंगे, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। तो ही हैड गिवन यू बदलेगा मी के अनुसार तो मी 100 rupees, तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड गिवन मी 100 rupees। एग्जाम्पल नंबर दो में देखिए, दे से वी हैव डन आवर वर्क, तो यहां चूंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही छोड़ देंगे, दे सेड दैट, और वी बदल जाएगा दे के अनुसार तो दे हो जाएगा, हैव हैड हो जाएगा, दे हैड डन, आवर बदल जाएगा इसके अनुसार देयर देयर वर्क, दे सेड दैट दे हैव डन देयर वर्क। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो इसको बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब हैज बीन या हैव बीन रहेगा उसको हैज बीन में कर देंगे। जैसे देखिए, शी सेड टू मी आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहां पर सेड है तो टोल्ड कर देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो शी टोल्ड मी दैट, आई बदल जाएगा सी के अनुसार सी, अब यहां हैव बीन को हैड बीन कर देंगे, शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू, यू बदल जाएगा मी के अनुसार मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगला एग्जांपल देखिए, मोहन से
it has been raining since morning. तो मोहन said that अभी चूंकि थर्ड पर्सन है तो इसको इट ही छोड़ देंगे और had been को had been कर देंगे. It had been raining since morning. तो ये था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो उसको उसके सीक्वेंस में पास्ट टेंस में बदल देंगे. मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. इसके बाद फिर आगे देखेंगे. If reporting verb is in past tense and reported speech is also in past tense, the tense of reported speech will be changed as follows. यदि reporting verb भी past tense में हो और reported speech भी past tense में हो तब वो कैसे बदलेगा? तब past indefinite को हम लोग बदल देंगे past perfect. मतलब पास्ट इंडेफिनिट में देखते हैं कि वी टू रहता है वर्ब का दूसरा रूप, तो ये बदल जाएगा हैड प्लस वी थ्री में. इंट्रोगेटिव और निगेटिव में डिड रहेगा तो डिड भी बदल के हैड प्लस वी थ्री हो जाएगा, तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा. एग्जांपल देखिए, सी सेड टू मी आई गॉट अ लेटर टू यू. यहाँ पर सेड पास्ट टेंस है और यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट को बदल देना है पास्ट परफेक्ट में. तो सी टोल्ड मी दैट आई बदलेगा सी के अनुसार तो सी और रॉट वी टू बदल जाएगा हैड प्लस वी थ्री में. हैड रिटन अ लेटर टू और यू मी के अनुसार मी. तो सी टोल्ड मी दैट सी हैड रिटन अ लेटर टू मी. दूसरे एग्जांपल में देखिए, ही सेड टू मी आई डिड नॉट प्ले विद यू. यहां डिड नॉट है तो इसका भी बोलाइए. ही टोल्ड मी दैट आई ही के अनुसार ही आई डिड नॉट हो जाएगा हैड नॉट प्लेड. हैड नॉट प्लेड विथ यू बदल जाएगा मी के अनुसार मी. तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट प्लेड विथ मी. यदि पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो इसको बदल के हम लोग कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब रहता है, इसको हैड बीन में कर देगा तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. जैसे देखिए, ही सेड टू मी You are doing your work. तो he told me that. अब you second person object के अनुसार बदलेगा तो यहाँ I हो जाएगा. तो I और verb हो जाएगा had been में. तो I had been doing और your फिर me के अनुसार my work. तो he told me that I had been doing my work. तो ये हुआ कि रिपोर्टिंग भाग अगर पास्ट टेंस में हो तो पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. उसके बाद आगे देखते हैं, यदि रिपोर्टिंग भाग पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में हो, मतलब हैड प्लस वी थ्री हो, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो मतलब हैड बीन हो, तो ये दोनों नहीं बदलता है, इसको जैसे का तैसे छोड़ते. जैसे एग्जाम्पल में देखिए, he said to me I had written a book. तो यहाँ had written past perfect में है तो इसको had written ही छोड़ देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे. he told me that I he के अनुसार he हो जाएगा. he had written a book यहाँ नहीं बदला, ये had written इसमें भी past perfect इसमें भी past perfect. उसी तरह से they said to me we had been learning music since Monday. यहाँ had been learning past perfect continuous है तो इसमें भी हम लोग past perfect continuous ही छोड़ देंगे. they told me that अभी बदल जाएगा they के अनुसार तो they हो जाएगा. उसके बाद had been learning वैसा ही, they had been learning music since Monday. तो आज हम लोगों ने देखा change of person. change of person में जब प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग भाग हो तो आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नहीं परिवर्तित करना है. जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो वहाँ भी नहीं चेंज करना है. लेकिन जब रिपोर्टिंग भाग पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में, तो प्रेजेंट को सीधे पास्ट में कर देंगे. और यदि दोनों पास्ट टेंस में हो तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में,
पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में को बदलते ही नहीं है। तो ऐसे आप ये सारा के इसके जो आप लोगों ने देखा जो टेंस, इसका फिर एक्सरसाइज बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। ये आपको सारे बोर्ड के परीक्षाओं के अलावे जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए जरूरी है, इसलिए अच्छी तरह से आप इसका प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम लोग चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें।